नमस्कार दोस्तों, इसमें मैंने क्या किया है, नया नोजल डाला था और इसके बाद पंप की सप्लाई जो है नोजल तेल नहीं दे रहा। देखते हैं मतलब किस तरीके से तेल दे रहा है। ये देखिए, ये देख सकते हैं मतलब स्प्रे नहीं बना रहा नोजल। और पंप जो है मैंने नया ही डाला था, तो देखते हैं क्या दिक्कत है, पंप ख़राब है, नोजल ख़राब है या डिलीवरी वाल ख़राब है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे क्या करना है, इसको खोलना है। पहले तो मैं नोजल खोलता हूँ। ये स्प्रे नहीं बना रहा, हालांकि पंप, नोजल, डिलीवरी वाल तीनों सेट मैंने ही डाला है। तो पहले मैं ये खोल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको खोल लिया है और इसके बाद यहाँ पे आपको तेल चेक करना है कि स्प्रे वाला आ रहा है कि नहीं। दिखा देता हूँ, तो मैं घुमा के पहले यहाँ पे तेल चेक करूँगा कि स्प्रे वाला आता है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं जो तेल है यहाँ तक तो सही आ रहा है। ये बस हो गया। तो अब मैं नोजल ही खोलना पड़ेगा, देखते हैं क्या सिस्टम है, नोजल में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि नोजल तो मैंने हालांकि नया ही डाला था, फिर भी देखना पड़ेगा क्या सीन है। तो मैं इसको पहले खोलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैंने नोजल को खोल लिया, आप देखते हैं नोजल जाम तो नहीं है। अगर नोजल जाम होगा तो फिर इसका मतलब जो है ये नोजल अटक रहा है। हालांकि पूरा जाम तो नहीं है, पर ये नोजल जो है शायद अटक रहा है। ये देखना, ये देखिए नोजल जो है नया नोजल है, फिर भी ये अटक रहा है। सब कुछ टोटल ये अटक रहा है नोजल। और ये यहाँ से ध्यान से आप से देखें तो ये नोजल टूटा भी हुआ है थोड़ा सा, ये नोजल ये टूटा हुआ है। तो मैं दूसरा नोजल लाता हूँ, फिर देखते हैं क्या चल रहा है कि नहीं। और ये तो नोजल ख़राब है ये, और ये जो रॉड है ना ये आगे भी आ रही है। क्या होता है ना, ये पीछे टाइट करने से ये पीछे रॉड चली जाती है, और ये रॉड जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि देखना ये देखिए नोजल कितना जो है आगे है, कितना नोजल के बीच में गैप है। अगर ये पीछे से मैंने टाइट ना किया होता तो ये बिल्कुल नोजल चिपक के बैठ जाता। तो मैं नया नोजल लाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने जो नोजल है इसका नोजल मैंने ले आया हूँ दूसरा, हालाँकि पहले भी मैंने नया ही डाला था, और इस बार भी देखते हैं क्या चल रहा है। मतलब वो नोजल ख़राब था, इसी के चलते जो है ये दिक्कतें आ रही थी। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ढीला कर लेंगे, मैंने जो टाइट कर दिया था ना, फिर नोजल बैठाने में दिक्कत आएगी। और दोस्तों मेन चीज़ क्या होता है, आपको चेक करने का सही तरीका यही होता है कि आप नली में हाथ लगा के देख लें, अगर प्रेशर आ रहा है तो ठीक, अगर प्रेशर नहीं आ रहा ना तो इसका मतलब है कि डिलीवरी वाल ख़राब हो गई होगी, या तो इसका पंप जो है वो ख़राब हो गया होगा। अब हालाँकि अभी तो देखा मैंने, दोनों में देखा था तो दोनों सही चल रहे थे। ये अच्छे से देखिए ये कितना बैठ चुका है बिल्कुल। और इसके बाद इसका जो कैप है, ये कैप पुराना वाला था, तो पुराना वाला ये है, ये ख़राब हो चुका था, ये टूट गया था, तो मैंने नया ही डाला है इसका कैप। और इसको थोड़ा सा और ढीला कर लेंगे। ये जो है ना, ये इनको थोड़ा सा मुझे साफ़ करना पड़ेगा, नोजल जो है ना सही तरीके से बैठ नहीं रहा। नोजल जो है इसके बैठ तो गया है, पर जब अगर ऐसे ही रहेगा तो मुझे थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा साफ़ कर लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसको जो है ना, ये जो पीने होती हैं इनको अच्छे से थोड़ा साफ़ कर लिया है, जिससे नोजल जो है ना बैठाने में कोई दिक्कत ना हो।
इसके बाद ये जो छेद होता है ना, जो नोजल का छेद होता है, इनको आपस में अच्छे से सेट कर देना है। ये देखिए अच्छे से सेट हो चुका है। और इसके बाद इसका जो कैप है, आगे हाथ लगा लें आगे ऐसे, मतलब जिससे वो पंप नोजल ना घूमे ना। तो दोस्तों यही होता है जो, मतलब आपको पहले नली में हाथ लगा के चेक कर लेना है कि नली में हाथ लगाने के बाद तेल बंद हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डिलीवरी वाल्व जो है ख़राब हो चुकी है, और या तो डिलीवरी वाल्व ख़राब होगी या तो पंप ख़राब होगा। तो हालांकि मैंने पंप नोजल डिलीवरी वाल्व तीनों ही डाले थे, तो मुझे नोजल में ही दिक्कत आई। तो देख सकते हैं स्प्रे जो है अच्छा बनने लग गया है। पहले क्या था कि दोस्तों ये जो नोजल है स्प्रे नहीं दे रहा था, नोजल जो है वो जाम हो रहा था, इसलिए जो तेल है वो बंद है। अब इसके बाद में क्या करूंगा, ये मैं इंजन शाम को ही खोला था तो ये पंखे में भी कुछ अटका हुआ है, तो उसको भी मुझे निकालना पड़ेगा। और दोस्तों जब भी आपके साथ ऐसा हो तो पहले नोजल की नली तक आप चेक कर लें, सप्लाई अगर अच्छी आ रही है तो इसके बाद नोजल को आपको चेक कर लें। और नोजल के बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, तो आप एक बार उनको भी देख लेना। और दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। और ये इंजन तो मैंने फुल रिपेयरिंग की है, इसका वीडियो भी सारे मिल जाएंगे आपको, तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों।